के हिस्सों पर चीन के लगातार अधिकार जताने और आक्रामक सैनिक कार्रवाइयों से अमेरिका खुश नहीं है। पूर्णविराम, चीन ने पिछले दिनों न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश को भी विवादित क्षेत्र बता दिया था। पूर्णविराम, हालांकि अब भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ मिल गया है। पूर्णविराम, अमेरिका ने कहा कि वह बीते 60 साल से अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता है और इस नीति में कोई बदलाव नहीं जा रहा है। पूर्णविराम, पैराचेंज, अमेरिका के गृह विभाग ने बयान दिया देते हुए कहा कि करीब 60 साल के से अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है। पूर्णविराम, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की घुसपैठ, चाहे सैन्य हो या नागरिक, उसके जरिए क्षेत्रीय दावों को लेकर एक पक्षीय कोशिश का विरोध करते हैं। पूर्णविराम, इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि है कि विवादित क्षेत्रों के बारे में हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि हम भारत और चीन को द्विपक्षीय रास्ते के जरिए उन्हें सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं और सैन्य बल इस्तेमाल न करने की अपील करते हैं। बीते महीने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब अरुणाचल से गायब 5 युवकों के बारे में पूछा गया था तो भारतीयों के बारे में जानकारी देने की बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया था। पूर्णविराम, लीजिन ने कहा, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। पूर्णविराम, पैराचेंज, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चीन की खबरों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का सुझाव देते हुए आरोप लगाया गया है कि चीन मानवाधिकार हनन में शामिल है और सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है तथा उसने दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। पूर्णविराम, पैराचेंज, रिपोर्ट के अनुसार चीन भारतीय सीमा पर भूमि पर कब्जा करने के लिए घातक झड़पों में शामिल है। पूर्णविराम, रिपोर्ट में 5G मोबाइल संचार और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर का निदान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रमुख लोकतंत्रों का G10 समूह वर्तमान G7 सदस्यों के अलावा दक्षिणी कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। पूर्णविराम, रिपोर्ट में चीन ने सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP के दुष्ट
भ्रष्टाचार का जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से आक्रामक सूचना अभियान चलाने को कहा गया है, जो CCP की असत्य और दुष्ट विचारधारा को कमतर करने के लिए सच और अमेरिकी मूल्यों का इस्तेमाल करता है। पूर्णराम पैराचेंज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बीते एक वर्ष में CCP ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि तोड़ी है और हांगकांग को नागरिक स्वतंत्रताओं से वंचित किया है। पूर्णविराम उइगर और तिब्बती समेत जातीय अल्पसंख्यकों का दमन जारी है। पूर्णविराम चीन ने अपने सैन्य बल को बढ़ाया है, युद्ध के लिए उकसावे भरी कार्रवाई की है, समुद्र में दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। पूर्णविराम भारतीय सीमा पर भूमि पर कब्जा करने के लिए घातक झड़पें की हैं और भूटान पर नए क्षेत्रीय दावे किए हैं। स्टॉप।